आजमगढ़ को पहले जिन लोगों ने परिवार की पपौती बनाया था वे लोग आज बेनकाब हुए हैं। आज आजमगढ़ चाहे वाराणसी से हो, चाहे गोरखपुर से हो, चाहे अयोध्या से हो, चाहे प्रयागराज से हो, फोर लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ जुड़ करके नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का नया आजमगढ़ बन चुका है। और इसलिए बहन और भाइयों, अब आपको देश और दुनिया में जाने में संकट नहीं होता है। पहले होटल की बात तो दूर, धर्मशाला में भी रूम नहीं मिलता था, आजमगढ़ के नाम पे लोग चौंकते थे। आज बहन और भाइयों, सुरक्षा का बेहतर वातावरण, सम्मान नए आसमान को छू रहा है। ओडीओपी के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो नई पहचान मिली है, इस पहचान को तो आगे बढ़ाने का काम हुआ ही है। साथ साथ अब तो पूरे देश के अंदर अब तक चार चरणों के चुनाव हुए हैं, तीन चरण बाकी है। 4 जून का इंतजार के बगैर पूरे देश के अंदर आवाज आ रही है कि फिर एक बार और अब की बार